नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही कमाल के बजट फोन के बारे में जो अभी हाल ही में लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन हमें इसके अंदर मिल पाएंगे, जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं Realme 3 Pro के बारे में, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। एक बजट फ़ोन ये हो सकता है, इसकी प्राइस अभी तक हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि किस प्राइस रेंज के अंदर ये फ़ोन हो सकता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन के अंदर होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हम आपके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी से जुड़े लेटेस्ट अपकमिंग मोबाइल्स के बारे में वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस मोबाइल के बारे में और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या इसके केस के अंदर हमें मिल पाता है, इसके बारे में जरा सी हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, बात करते हैं Realme 3 Pro के बारे में। तो इस फोन की यदि बात करें तो इस फोन के जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर हमें मिल पाएगा एक जो है माइक्रो USB केबल, एक फोन का कवर सिलिकॉन कवर हमें मिल पाएगा, फोन मिलेगा और इसके साथ में मिलेगा एक फास्ट चार्जर हमें इसके अंदर मिल पाएगा। तो बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस फोन के अंदर जो है हमें मिलने वाला है भैया स्नैपड्रैगन 710 ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसके अंदर हमें मिलने वाला है। और इसकी बात करें डिस्प्ले की तो इसकी डिस्प्ले होने वाली है 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले हमें मिल पाएगी वाटर ड्रॉप नोच के साथ। इसके अंदर जो है माइक्रो USB पोर्ट हमें मिल पाता है, डेडिकेटेड ऑडियो जैक 3.5 mm हेडफोन जैक हमें इसके अंदर मिल पाता है, लेकिन इसके बॉक्स के साथ हमें ईयरफोन नहीं मिल पाते। और बात हमें लास्ट में बताऊंगा इस फोन के अंदर हमें क्या एक्सपेक्टेड था जो इस फोन के अंदर हमें नहीं मिल पा रहा है। और इसकी यदि बात करें तो इसके अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन इसके अंदर मिल पाती है, 4045 mAh की इसकी बैटरी है, जिसके जो वी होक चार्जर जो है 3.0 वी होक चार्जर के साथ ये बैटरी आती है। 80 मिनट में फ़ोन आपका 0 to 100% चार्ज हो जाएगा। इसके यदि फ्रंट कैमरा की बात करें तो हमें 25 MP का इसके अंदर फ्रंट कैमरा मिल पाता है, और रियर कैमरा की बात करें तो ड्यूअल कैमरा सेटअप हमें मिल पाता है 16 MP का प्लस 5 MP का इसका जो है ड्यूअल कैमरा सेटअप हमें मिल पाता है। इसके अंदर यदि बात करें तो ये रन करने वाला है एंड्रॉयड पाई पे, कलर OS 6.0 लेटेस्ट वर्जन के साथ ये फ़ोन आता है। और इसके अंदर हमें फेस अनलॉक सेंसर और जो फिंगरप्रिंट सेंसर, ग्रेविटी सेंसर और बाकी सारे ध्यान बिना के सेंसर इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये अपने रेंज का बजट फ़ोन का जो अपनी रेंज का जो है एक बहुत ही अच्छा फ़ोन हो सकता है। अब तक इसकी प्राइस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस फ़ोन के जो वेरियंट हैं अभी मार्केट के अंदर, इस फ़ोन के 3 वेरियंट अवेलेबल हैं, 4GB 64GB 6GB 64GB और 6GB 128GB वेरियंट के साथ ये मिल पाता है। इसके अंदर आपको जो है ड्यूअल सिम कार्ड स्लॉट और डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाता है। इसके अंदर ड्यूअल वोल्टी ड्यूअल 4G जो नेटवर्क बैंड है वो हमें मिल जाते हैं, यानी आप अपनी 2 Jio की सिम इस एक फोन के अंदर चला सकते हैं। तो ये था इस फोन के बारे में। और अब बात करते हैं इस फोन के अंदर हमें क्या नहीं मिल पाता है, जिसकी खास जरूरत हमें इस फोन के अंदर थी। इस फोन के अंदर हमें नहीं मिल पाता है फ्रंट फ्लैश जो है, फ्रंट कैमरा फ्लैश जो है वो इस फोन के अंदर हमें नहीं मिल पाता। बड़े ही कमाल का इसका कैमरा है, 25 MP का फ्रंट कैमरा जो है, बड़े ही कमाल की आपकी फोटो जो है वो क्लिक करेगा, जैसा आपका थोपड़ा वैसी आ जाएगी, मेरी जैसी नहीं आएगी। तो चलिए ये था इस फोन के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए। Realme 3 Pro के बारे में आपके क्या विचार हैं, कैसा ये आपको फोन लगा, हमें नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।